आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों का समझना। तो चतुर्भुजों को समझने के पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। कुछ शब्द जो बार बार आएंगे उसमें से एक शब्द आएगा तल। तल क्या होता है? तो तल वह होता है, तल माने सतह, यानी किसी भी प्रकार की सतह होगी उसे हम सब तल कहेंगे। और वो समतल, वो कैसी हो सकती है? समतल भी हो सकती है और ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है। कैसी? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, ये ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी या ऊंची नीची। तो ये हमारे से कुछ शब्द इस्तेमाल होंगे आगे। तो हम इसमें लेते हैं कि हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा ये शब्द। तो समतल, समतल का मतलब क्या होता है? तो समतल का मतलब होगा कि ऐसी सतह, ऐसी सतह जो समान हो या सपाट हो, ऐसी सतह जो समान हो या सपाट हो, तो हम ऐसी सतह को बोलेंगे समतल। विज्ञान के पाठ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो जैसे हमने बताया, उसमें पढ़ा होगा कि अगर कोई सीधा है ऐसा कोई शीशा, और अगर उसकी एक तरफ इधर कलई कर दिया जाए तो इधर से जो परावर्तित होने वाली जो किरणें होंगी उनको बोल देंगे हम, इस तरह की आकृति को समतल बोलते थे। और उसमें अगर कुछ ऐसा मुड़ा हुआ हो थोड़ा सा हो, और अगर इसके बाहर की तरफ यहाँ कलाई कर दिया जाए तो इधर क्या कहलाता था? ये वाला भाग से परावर्तन होने लगता था, तो इसको हम लोग अवतल बोल देते थे वहां। और इसी तरह ये ऐसा रहे और अब की बार यहाँ पॉलिश कर दिया जाए तो ये जो इलाका कहलाता है ये उत्तल कहलाता है। तो यही हम यहाँ पर गणित में इस्तेमाल करेंगे। जो तल होंगे हमारे पास, समतल जब होगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल सपाट सतह से हमारा मतलब होगा। और जब हम अवतल की बात करेंगे तो अवतल का मतलब होगा ऐसा जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो और जिसका हिसाब किताब अंदर से होना है। और उत्तल का मतलब होगा ये जिसका हिसाब किताब हमें इस उभरे हुए हिस्से से करना है। ये अभी टर्मिनोलॉजी अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चलकर। तो ये अभी समझने के लिए आपको बताया गया। अब यहाँ पर कुछ शब्द हो जाएंगे। एक शब्द और आता है समतल के बाद, एक शब्द आएगा वक्र आएगा। और वक्र क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो इसके बाद आता है एक अगला शब्द वक्र। अब ये वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। वक्र माने मुड़ा हुआ, वक्र माने मुड़ा हुआ, वक्र का मतलब ये है मुड़ा हुआ। अब ये मुड़ा है कि नहीं जरा देखते हैं। चलो तो कैसे कैसे वक्र बनेंगे हम ध्यान से देखते हैं। अब अगर आसानी से मुकड़ा मुड़ा हुआ, या जैसे आसानी से में लिख लें, आसानी से चला हुआ हाथ, आसानी से बनाई गई आकृति, इसको इस भाषा में भी लिख लीजिए, बनाई गई आकृति। अगर कोई चीज बहुत आसानी से बन जा रही, जैसे हाथ हमने घुमा दिया, ये सब वक्र है। ऐसा घुमा दिया ये भी वक्र है। अगर ये ऐसा सर्कल बन गया तब भी वक्र है, ऐसा हो गया तब भी वक्र है, ये ऐसा 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 हो गया ये भी वक्र है, ऐसा चला गया ये भी वक्र है। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम हाथ चलाएंगे तो कुछ भी तरह की आकृति तो चलेगी। अब देखिए ये तो ये सब क्या है? ये सब वक्र है। लेकिन अब इसमें वक्र में थोड़ी कुछ चीजें और हमको देखनी पड़ेंगी कि दो चीजें हमको आगे समझनी है। इसमें वक्र जो होते हैं आगे चल के ये कुछ सरल बनेंगे, कुछ वक्रों को हमको सरल बोलना पड़ेगा और कुछ वक्रों को सरल नहीं है, सरल नहीं है, इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या सरल है क्या नहीं है तो चलो देख इसके बारे में समझ लेते हैं। सरल में जब चलेंगे तो सरल का मतलब होता है एक बार हाथ चले और वो आसानी से घूम फिर के आसानी से वापस रुक जाए। और सरल नहीं है तो अगर हाथ चला और उसने कहीं न कहीं जाके उसी रास्ते को काट दिया तो ये सरल नहीं है। तो ये सरल वक्र उसको बोलेंगे जो कहीं भी नहीं काटे
और सरल नहीं। अब देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए, ये सरल वक्र, ये सरल वक्र, ये भी सरल है क्योंकि ये काट नहीं रहा। अब ये इसने काट दिया तो ये हमारा सरल वक्र नहीं होगा, ये इसमें आ जाएगा। यहाँ देखिए जा तो रहा है, पूरा बंद हो गया। अभी इसका अगला टर्म आएगा इसमें, और ये भी सरल वक्र में चला गया, ये भी सरल चला गया, लेकिन इसने काट दिया तो ये जो काट देंगे आपस में वो सरल नहीं होगी। ये भी काट दिया, ये भी सरल नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे सरल नहीं है तो एक शब्द और आ जाता है, बंद वक्र। ये भी इसी में समझ लीजिए, बंद वक्र में सरल बंद वक्र होंगे और सरल बंद वक्र नहीं होंगे, दो प्रकार से होंगे। तो बंद वक्र में भी देखिए बाकी हम कुछ बना लेते हैं। ये हो गया, 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 ये देखिए। अब बंद वक्र में देख ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हमारी पेन या पेंसिल चले और घूम फिर के उसी जगह को टच करे और कहीं दूसरी जगह ना जाए तो उसे बोलेंगे हम सरल बंद वक्र। कौन से बनेंगे? बंद वक्र में से एक होगा सरल और एक होगा सरल नहीं, सरल नहीं। तो देखिए दो शब्द हमारे पास अभी आने वाले हैं, बंद वक्र में सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र ये हुआ, इसमें यहां से हाथ चला रहे हैं और रुक के कहीं रुक गए, मतलब वहीं तो वहीं पहुंच जा रहा है और कहीं पेंसिल नहीं उठ रही। इसमें भी देखिए ये चला, यूं चला, यूं चला, आके रुक गया, ये भी वक्र में ही आएगा। यहां चल रहा है, ये चल रहा है, ये देखिए आके वहां पर आ गया, ये भी सरल बंद वक्र है। लेकिन ये चला, ये चला, ये चला, बंद तो हुआ लेकिन ये यहां पर काट दिया, काट दिया तो इसका मतलब अब ये सरल नहीं रह गया। यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, इसमें देख लीजिए ऐसा भी बना लीजिए, एक इसमें देखिए, देखने में तो लग रहा है दोनों सरल, लेकिन दोनों सरल है नहीं। क्यों? ये आपने बना लिया या ये एक बना लिया तो दूसरे को बनाने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। जैसे ही पेंसिल उठती है वो सरल नहीं रह जाता है। इसमें देखिए ये अलग बंद है, ये अलग बंद है, और जो किसी डंडे से जोड़े गए हैं तो ये पेंसिल उठाते ही बनता है, इसलिए ये भी सरल नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि काट के बनाया है, ये सरल नहीं है, तो इनका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इतने कुछ शब्द हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे, तो इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर कुछ हमारे को आकृतियां दी गई हैं, इनका सुमेलन करना। सुमेलन का मतलब होता है मिलाना। एक इसमें दी गई है कुछ आकृति ऐसी, और एक आकृति ऐसी दी गई है, एक आकृति ऐसी दी गई है, एक आकृति ये इस तरह से बनाई गई है। अब इसमें कुछ यहाँ पर नमूना लिखा था, तो चलो जी शुरू इसी से यहाँ पर बना देना है। ये देखिए क्या है, ये आकृति कैसी दिख रही है? ये आकृति दिख रही है एकदम सरल, पेंसिल चली और खुली आकृति है। कक्षा सातवीं में हम लोगों ने पढ़ा था खुली और बंद आकृति। तो जो खुली आकृतियां हैं वो, खुली का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपस में टच भी ना करें, तो वो खुली जो आकृति है यानी सरल जो आकृति है इसको बोलेंगे क्या? सरल वक्र। ये क्या है? ये सरल वक्र, ये सरल वक्र। और कैसा है? बंद नहीं है, सरल वक्र भी है और बंद नहीं है ये। और ये कैसा है? ये देखिए, ये तो काट दिया इसने, काट दिया तो क्या हो गया? देख काट दिया तो क्या हो गया? सरल वक्र, बंद वक्र, ये बंद तो हो गया लेकिन ये काटने के बाद ये सरल नहीं रहा, तो ये क्या लिख दें हम इसमें? ये बंद है, बंद वक्र है, सरल नहीं है। बंद वक्र जो सरल नहीं है, जो सरल नहीं है। अब ये देखिए, ये चला यहां से और ये आके यहां बंद हो गया, तो ये देखिए बहुत आसानी से ये बन गया ये। और ये कैसा बन गया? ये एकदम सरल बंद वक्र, सरल बंद, ये एकदम सरल बंद वक्र। और ये तो देखिए जी, बंद तो हो रहा है पर ये यही वाला है, बंद वक्र तो हुआ हमारा पर सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इधर भी काट दिया और दो अलग अलग डिब्बे बन कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा सरल बंद वक्र नहीं होगा।
उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। अब हम लेते हैं अगला, तो इसमें अगला शब्द दिया है बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बहु माने बहुत ज्यादा, मतलब देखिए हिंदी में पढ़े होंगे एक बचन द्विवचन बहुवचन, तो एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको द्वि बोलते हैं, और एक दो से या दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा जो होते हैं उन्हें हम बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं। तो अब इसमें परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो होती है केवल रेखा खंडों से बना, केवल रेखा खंडों से बना क्या थी, सरल बंद आकृति, सरल बंद वक्र, इसे बहुभुज कहते हैं, इसे बहुभुज कहते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र। देखिए दो शब्द आ रहे हैं, एक तो होना चाहिए रेखा खंड होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए, ये कंडीशन हमारे पास क्या चार्ट मिल गई। क्या क्या, एक तो रेखा खंड, फिर दूसरी बात उसमें वो सरल होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, तब बहुभुज श्रेणी में आता है। अब देखिए शुरू करते हैं, कुछ एक आकृतियां बनाते हैं, एक आकृति ये ले लीजिए, एक आकृति ये ले लेते हैं, एक आकृति कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक आकृति ऐसा ले लेते हैं, एक आकृति और ले लेते हैं, और एक आठ ले लीजिए, और ले लीजिए, अब देखने की कोशिश करिए। केवल रेखाखंडों से बना, तो रेखाखंड किसमें किसमें है भाई, इसमें भी रेखाखंड है, इसमें भी रेखाखंड, तो समझ गए ना, दो बिंदुओं के बीच की निर्धारित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें ये निर्धारित हैं, और यही रेखाखंड जब बंद आकृति बना देते हैं तब हम उनको भुजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भुजा, क्योंकि यहाँ पर बहुभुज से मतलब है, तो जो रेखाखंड है अब यहाँ पर उन शब्दों का उनका नाम हो गया है भुजा। अब वो कह रहे हैं कि बहुभुज मतलब उसमें बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए, एक से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए आकृति, तब समझ, तब वो बहुभुज कहलाएगा। अगर खुल गई, अब एक आकृति खुली वाली भी लगा लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये चला और ये यहां पर आके रुक गया। अब ये देखिए, तो अब इनमें से पहचानने की कोशिश करिए कि केवल रेखाखंड, तो एक ये भी एक रेखाखंड, ये भी एक रेखाखंड, ये रेखाखंड और बंद है पहली कंडीशन। तो मैंने बोला तीन, कम से कम तीन अगर होने चाहिए तब तो बहुभुज बनेगा, तो तीन या तीन से अधिक ये जो रेखाखंड हमारे होने चाहिए तब बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। तो ये देखो जी, सरल भी हो गया, क्या क्या बंद वक्र भी हो गया, ये बन गया जी बहुभुज हो गया हमारा। इसमें देखिए एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजाइए, देखिए बंद है और कहीं किसी को काट नहीं रही, एक पेंसिल उठाएंगे वहां से वहां तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी हमारा बहुभुज हो गया। इसमें भी चलेंगे किसी भी कोने से चलिए और वहां पर पहुंच जाएंगे, ये भी बहुभुज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड, यहां तक तो बात समझ में आ रही, लेकिन ये यहाँ पर टर्न हो गया, यानी कि ये वक्र ले लिया, अब ये रेखाखंड नहीं रहा, जब रेखाखंड नहीं रहा तो ये हमारी परिभाषा से बाहर हो गया, इसे हम बहुभुज नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए, ये तो जी पहले से ही गोल गोल चक्री चल रहा है, वक्राकार ले रहा है, ये तो अपने देख के ही बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रेखाखंड, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ पहुंच गए, आराम से पहुंच गए, और कहीं पेंसिल उठानी नहीं पड़ी, कोई वक्र नहीं है, तो ये हमारा बहुभुज हो जाएगा। इसमें देखिए,
यहां से चलेंगे, यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, और ये यहां पे आ तो रहे हैं, वहीं पर बंद आकृति भी बन रही है, लेकिन ये रेखाखंड नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये वक्र हो गया, वक्र हो गया तो ये हमारे रेंज से बाहर हो गया, इसका मतलब ये हमारे बहुभुज के रेंज में नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से चले, यहाँ 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 तो पहुंच तो गए, लेकिन ये बंद नहीं कर रहा है, बंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे बहुभुज की श्रेणी में नहीं है। सेम यही प्रक्रिया देखिए, घूम फिर के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वक्र बन रहा है और जुड़ भी नहीं रहा, जुड़ भी नहीं रहा, तो ये प्रकार का ये हमारा बहुभुज की श्रेणी से बाहर हो जाता है। तो ये बात तो समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये काफी बहुभुज के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं, इनका वर्गीकरण देखते हैं। अब लेते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण, बहुभुजों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब भाई हम तो हमने देखा बहुभुज पहचानने की कोशिश करी, अब हम देखेंगे इनको बोलते कैसे कैसे, किनको क्या कहेंगे। तो जी बहुभुजों का वर्गीकरण क्या होता है, बहुत सिंपल आसान तरीका है कि जिसमें तीन भुजाएं, मतलब दो से तो काम नहीं चल रहा है, बहुभुज तीन से शुरू ही हो रहा है, तो जी जिसमें तीन भुजाएं होंगी तो उसको क्या बोल देंगे, त्रिभुज, यही तो बोलते हैं हम लोग। और जिसमें चार हो गई, अब ये कैसे कैसे होंगे आगे बात चलेंगे, अभी तो केवल भुजाएं जाननी है, बंद आकृति हो और सरल होनी चाहिए, तो ये हम बोल देते हैं इसके चतुर्भुज। अब जिसमें पांच भुजा हो जाएंगी, पंचभुज, और इस प्रकार ये भुजाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो इस प्रकार हमारे को ये बहुभुज, जितने भी, मतलब अब ये जितनी भी बड़ा पंचभुज, इसी तरह षटभुज बना लीजिए, ये देखिए, ये बोलेंगे षटभुज। और आप इनके, अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनको पहचानने का तरीका ये कोने, ये शीर्ष, कंडीशन वक्र भर नहीं होना चाहिए, ये शीर्ष गिन लीजिए और इनकी, इनका वर्गीकरण कर लीजिए, तो समझ में आ जाए। कुछ लिखना है तो इसमें ये लिख लीजिए, पहचानेंगे कैसे, इनका वर्गीकरण भुजाओं या शीर्षों के लिए, या तो भुजा भुजा गिन लीजिए या शीर्ष गिन लीजिए, जितनी जितनी शीर्ष होंगे उतने ही इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, इनका पहचानने का क्या तरीका है, इन्हें, इनको, इनकी पहचान भुजाओं या शीर्षों से करते हैं, शीर्षों से करते हैं। अभी ये आप आसानी से पहचान लीजिए, यहां गिन लीजिए एक दो तीन, तो ये भुज बोल दीजिएगा त्रिभुज, या इधर गिन लीजिए ये त्रिभुज बोल देंगे, इसको देख लीजिए एक दो तीन चार, तो जी चतुर्भुज, भुजा गिनना है तो एक दो तीन चार ये लीजिए चतुर्भुज, यहाँ देख लीजिए एक दो तीन चार पांच, पांच ये शीर्ष है तो पंचभुज, अब भुजा लेनी है तो एक दो तीन चार पांच ये पंचभुज, यहाँ गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छह, छह भुजाएं तो षटभुज, या शीर्ष गिनना है तो एक दो तीन चार पांच छह, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे और हम आसानी से देख कर उनको गिनकर उनका वर्गीकरण या बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार का बहुभुज है। अब अगला प्रश्न हमारा आता है नंबर, कि ये तो बहुभुज समझ लिए, चलो जी ठीक है, क्या कैसा है, अब इनके भीतर भी चलते हैं, इनके भीतर क्या क्या होता है, इनके भीतर सबसे पहला आता है विकर्ण, एक शब्द आता है विकर्ण, इनको भी जान लेते हैं। अब विकर्ण होते क्या है, एक शब्द, एक हम आकृति बनाते हैं, या इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले, कि किसी बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो, उसके किन्हीं दो शीर्षों, कौन से शीर्ष, ये भी ध्यान रखना है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को
छोड़कर, ये कंडीशन है इसकी, को जोड़ने से छोड़कर, को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। ये हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं किसी बहुभुज का विकर्ण, बहुभुज तो देखो जी कहां शुरू हो रहे हैं, पहले तो विभव, सबसे छोटा बहुभुज तो ये रखा, इसके बाद ये वह बहुभुज है, ठीक है, इसके बाद अगला लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझना है ये, और अगला ले लीजिए ऐसा। चलिए ये हमारे पास से कुछ बहुभुज बने हुए हैं। वर्गीकरण में आप पढ़ चुके कि इसकी कोने गिन के यानी शेष गिन के या भुजा गिन के आप तो बता देंगे कि ये कौन सा बहुभुज है, इसको भी ऐसे देख के गिन के बता सकते हैं, इनको भी देख के बता सकते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों अर्थात आसन्न शीर्षों को छोड़कर, देखो जी शीर्ष तो ये भी है, शीर्ष ये भी है, क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है, जोड़ना है उनको, और जो नया रेखाखंड होगा उसी को हम विकर्ण कहेंगे। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये क्या, ये तो इसको जोड़ना कहां है, आपने कुछ जोड़ा ही नहीं, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, जिस जो पहले से जुड़ा है उस रेखाखंड को हम तो भुजा बोलते हैं। तो हमें जोड़ने के लिए अगर हम इनका नामकरण कर दीजिए, ए बी सी, ए बी सी डी, इसको भी कर लीजिए ए बी सी डी और ई, यहां पर ले लेते हैं। अब देखिए आसन्न शीर्ष, आसन्न शीर्ष का मतलब होता है किसी भी रेखा के या किसी भी भुजा के दोनों किनारों पर से बनने वाली जो भुजा बन गई है तो उसको बोलेंगे आसन्न भुजाएं, और इनको बोलेंगे आसन्न शीर्ष, ये कहलाएंगे आसन्न शीर्ष और ये कहलाएंगी आसन्न भुजाएं। तो ये बोल रहा है इन दोनों को छोड़ दीजिए, बात समझ रहे हैं, ये जो शीर्ष इसके कोने में आ रहा है ये भी शीर्ष, ये आसन्न शीर्षों को छोड़कर यानी इन दोनों में से कोई एक छोड़ दीजिए, इधर से ले जाना है तो इसको छोड़ के यहां आ जाइए, ये चला गया, अगर इसको छोड़ना है तो ये इधर जाके इधर आ जाएगा, तो ये इससे मिल जाएगा। तो ये जो आकृति प्राप्त हो रही है यानी ये जो रेखाखंड है बी को छोड़कर ए सी, ये कहलाता है विकर्ण, इसे कहते हैं ये विकर्ण, और इधर जो बना इसलिए इधर से गए तो इसने किसको छोड़ दिया, ए को छोड़ के कहां पर चल रहा है, बी डी पर, यानी इस आसन को शीर्ष को छोड़कर इस डी से मिला तो ये हमारा जो बी डी बन गया ये कहलाया हमारा विकर्ण। इसमें भी देख लीजिए पहले मिलाने की कोशिश करते हैं, चलो यहां से लिया यहां है, इसको छोड़ के यहां ले गए, अब इससे ले रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ये चला गया, अब मान लीजिए इसको ले रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये लीजिए, अब इसको ले रहे हैं तो इसको छोड़ के यहां आना पड़ेगा, ये लीजिए, अगर इसको ले रहे हैं तो ये छोड़िए यहां जाइए, ये लीजिए, और कुछ बच रहा है, इसको छोड़ेंगे, इसको ले रहे हैं इसको छोड़े तो ये तो बना हुआ है, इसको ले रहे हैं इसको छोड़े, इस तरह देखिए किस तरह हमारे जो प्राप्त होते हैं ये सारे के सारे विकर्ण कहलाते हैं, इन्हें हम विकर्ण बोलते हैं, और ये जो बाहर बाहर है ये कहलाती है भुजाएं, और जो अंदर जो रेखा जो जो बाहर वाले रेखाखंड है इन्हें भुजाएं कहते हैं, और जो अंदर जो रेखाखंड प्राप्त कर रहे हैं हम लोग इसमें विकर्ण बोलते हैं। और इसमें क्या बनेगा, क्या देखो जी इसको छोड़ लेते हैं इसमें गए छोड़ेंगे तो यहां तो ये रेखाखंड ही है, इसका मतलब इसमें विकर्ण बन ही नहीं रहा है, आगे चल के इसको सभी समझने की कोशिश करेंगे, इसमें विकर्ण तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन इनमें बन रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगा, चतुर्भुज से शुरू हो रहा है आगे आगे जाने चलेगा, अभी इसकी काउंटिंग के बारे में आगे पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा और चीज समझ लेते हैं इसमें, ये हो गया ये विकर्ण हमारे को उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, और आगे चलते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है
अभ्यंतर और बहिर्भाग, तो ये भी जान लीजिए। अभ्यंतर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अभ्यंतर बोलते हैं अंदर वाली चीजें, यानी अंदर की ओर या अंदर के जो भी है, एक शब्द है अभ्यंतर और एक शब्द है बहिर्भाग। ये दोनों चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए, बहिर्भाग। अब ये क्या होते हैं, जरा इसको भी जाने। अब मैंने कोई आकृति बना दी जी, मान लीजिए ऐसा ऐसा ये बन गया, और ये भी इसी तरह एक और आकृति बना दीजिए। अंदर का मतलब होता है ये जो इस बाहर वाले इलाके को छोड़िए, ये जो बाउंड्री बन गई, इसके भीतर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए ए है, इधर बी है, इधर सी है। तो अगर बोलेंगे अभ्यंतर में क्या है, और यहाँ पे मान लीजिए बी है, ई है, तो देखिए अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या बोले, अभ्यंतर माने होता है अंदर के अंदर, और बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर। अगर कोई पूछे कि भाई अभ्यंतर में क्या क्या है, तो आप देख के बोल सकते हैं कि अंदर क्या है, इस बाउंड्री के भीतर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। लेकिन अगर यही चीज जो है यहां बना लीजिए ए बी सी, यहां पर लिख लीजिए बी ई एफ। अब बहिर्भाग में क्या है, तो जो इस वाले इलाके को छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें ले लीजिए, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगी। यहां पर इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर, इससे बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो अभ्यंतर का केवल सिर्फ इतना मतलब है कि जो सारी चीजें हमें चाहिए, वो अगर इस बाउंड्री के अंदर है तो वो हमारे अभ्यंतर में है, और अगर इस बाउंड्री से बाहर निकल गया तो वो हमारा बहिर्भाग में है। यानी बाउंड्री के भीतर वाली इलाके को हमें छोड़ देना है बहिर्भाग के लिए, और अभ्यंतर के लिए बाहरी भागों को छोड़ देना। दो चीजें बस हमें समझना था, तो उम्मीद है कि बात स्पष्ट हो रही होगी। अब अगला शब्द आता है हमारे पास, अभी हमने बात की थी उत्तल अवतल की, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और विस्तार से समझिए, जो गणित की भाषा में बात करनी है। तो उत्तल और अवतल बहुभुज, इस यहाँ पर इस शब्द लिख लेते हैं, उत्तल और अवतल बहुभुज। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी इसके बारे में, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, बस दो चीजें बस समझ लीजिए, उत्तल और अवतल में कुछ नहीं होता, सिंपल या सीधी परिभाषा लिख देते हैं। उत्तल माने उभरा हुआ है, अवतल माने अंदर की ओर घुसा हुआ। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए, तो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, तो ये लिख लीजिए, तो इसके अंदर लिख लीजिए कि ये वे बहुभुज होते हैं, ये वे बहुभुज होते हैं जिनके शीर्ष बाहर की ओर होते हैं, जिनके शीर्ष बाहर की ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। और दूसरा क्या है, इनके विकर्ण, विकर्णों से भी हिसाब बनता है इनका, इनके विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं। अभी अभी शब्द आया है हमारा अभ्यंतर, अब माने अंदर की ओर होते हैं, ये कंडीशन। यानी कि जो इनका जो आकार होगा, जैसे मान के चलते हैं, ये इसी को ले लीजिए, ये ले लीजिए, या एक और ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखिए ये वे जिनके शीर्ष बाहर की ओर, देखिए ये सब सरल बंद आकृति है, और शीर्ष देखिए बाहर की ओर, विकर्ण क्या हुआ, ये देखिए ये अंदर की ओर चला गया, ये अंदर की ओर चला गया, तो ये कहलाएंगे हमारे को उत्तल बहुभुज। इसमें भी देख लीजिए, ये सारे इनके शीर्ष बाहर की ओर है, ये जी देख लीजिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और विकर्ण, विकर्ण को मैंने बोला बताया था, ये देखिए ये कहलाते हैं विकर्ण, और इससे इसको मिला लीजिए, ये इससे मिला लीजिए, ये इससे मिला लीजिए, जितने बन सकते हैं बना दीजिए। अभी काउंटिंग के बारे में बाद में चलते हैं। तो
तो ऐसी जो भी आकृतियां बनी गई, यानी कि अंदर हो गई, देखिए इसमें कोई भी चीज बाहर नहीं गया, शीर्ष बाहर तो है, सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में है। तो ऐसे जो भी हमारी को आकृतियां प्राप्त होंगे उन्हें हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब तो ये भी समझ लीजिए, अवतल, तो इसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा, अवतल बहुभुज। ये अवतल बहुभुज क्या होता है ये भी जान ले। तो इसका ठीक उल्टा कर देते हैं कि ये वो बहुभुज होते हैं, ये वे बहुभुज होते हैं जिनके शीर्ष अंदर की ओर होते हैं, जिनके शीर्ष अंदर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। सारे सारे शीर्ष अंदर नहीं हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, विकर्ण बहिर्भाग में होते हैं और विकर्ण बहिर्भाग में होते बहिर्भाग में, यहां पर रहने लगेगा, बहिर्भाग में होते हैं। कंडीशन क्या है, कम से कम एक, सारे सारे नहीं हो सकते, कम से कम एक तो हो ही जाए, कम से कम एक, यानी कि उसका कम से कम एक शीर्ष जो है कहां चला जाए, अंदर की ओर, और विकर्ण भी कम से कम एक बाहर की ओर निकल जाए। तो ऐसे हमारे वो बहुभुजों को हम बोलेंगे अवतल बहुभुज। अब जरा वो एक आठ उदाहरण देख लेते हैं जी। ये लो, ये देखिए, ये ले लीजिए, ये देख लीजिए, ये ले लीजिए, ये इस तरह की कोई भी, आप इसमें देखना, समझने की कोशिश करिए कि देख लीजिए, ये वो बहुभुज इनके शीर्ष अंदर की ओर होते हैं। एक तो शीर्ष अंदर की ओर धस गया, एक बाहर है, तो कोई दिल लेने देना नहीं, एक अंदर की ओर धस गया, ये जी धस गया। अब विकर्ण कहाँ बनेगा, देखिए जी, इसका विकर्ण ये देखिए, ये तो अंदर चला है गया, ये तो ठीक समझ में आ रही कि ये, लेकिन ये इसका विकर्ण ये कहाँ जाएगा, एक तो यहां बन जाएगा, ये विकर्ण बन जाएगा हमारा, ये विकर्ण, तो ये कहां चला गया, इस चतुर्भुज के बाहर चला गया या इस बहुभुज के बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं अवतल। यहां देख लीजिए, ये बाकी तो और अंदर बनेगा, इसी को देख लीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए, यहां पर ये बाहर चला गया, यहां देखिए बाकी तो अंदर आ ही जाएंगे, लेकिन कम से कम एक तो बाहर जा ही रहा है, ये देखिए ये बाहर चला गया। तो ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे अवतल बहुभुज, और इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आपके लिए। और अब आते हैं सम और विषम के बारे में, आते हैं अब आ जाते हैं सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज जी, अब देखिए बहुभुज तो आपने पढ़ रखा है, अब ये सम और विषम ये क्या शब्द बना है, जरा इसको भी ऑरेंज में समझ लीजिए। तो पहले ले लेते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज। तो लिख लीजिए, यहां सम लिख लेंगे और बहुभुज, ये बहुभुज तो वही है, और इधर कर दीजिए विषम, वे भी पहचानेंगे कैसे, बहुभुज सबसे पहले तो इनके बारे में जान लीजिए होते कैसे। तो सम बहुभुज में क्या होना चाहिए कि भुजाएं समान हो, नंबर एक, भुजाएं समान हो। दूसरी कंडीशन क्या है, इनके कोण भी समान हो। कोण मतलब जहां पे दो रेखाखंड या रेखाएं आपस में आके मिलती हैं उसे कोण कहते हैं, कोण समान हो, ये कंडीशन है। तो ऐसे बहुभुज को हम बोलेंगे सम बहुभुज। और इसका ठीक उल्टा, भुजाएं समान
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कंडीशन है, बुझाए सामान ना हो। यहां लिख लीजिए, बुझाए समान या असमान हो, ठीक है, कम से कम एक कमी चाहिए इसमें, असमान हो लिख लीजिए, समान या असमान। अब समान लिख लिया तो इसको समान हटाई दीजिए, इसको फिर समान लिख रहे, फिर असमान ही ले लीजिए पूरी तरह। कंडीशन हो सकती है, एक आध मिल सकती है, किसी कंडीशन में कुछ एक आध मिल सकता है, बाकी ऐसा हर समय नहीं होगा, तो हम तो यहां पर असमान लिखते हैं। यहां पर कोण भी समान नहीं होने चाहिए, कोण भी असमान, असमान का मतलब होता है अलग अलग होने चाहिए। समान असमान में अंतर समझ ही पा रहे हैं, समान मतलब होता है एक जैसा, असमान मतलब जो एक जैसा ना हो, ये टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है स्पष्ट हो रही होगी। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो अगर भुजाएं समान हो, कोण समान हो, तो हम समबाहुभुज के, अब उदाहरण ले लेते हैं, एक आकृति लेते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज, अब यहाँ पर आड़ा टेढ़ा बन रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये इसके बराबर हो और ये सारी चीजें आपस में बराबर हो, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो, साथ में ये और ये अगर बराबर हैं तो हम इसे बोल देंगे, कैसे आकृति दिख रही है, एक दो तीन कोने और एक दो तीन भुजाएं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, सम बाहु ऐसा बोल देते हैं त्रिभुज। और चूंकि अगर कोण के बारे में बात करेंगे तो हम क्यों बोल देंगे, है तो समबाहु त्रिभुज, तो समकोण नहीं बोलेंगे, ये कहलाएगा, चूंकि भुजाओं के बारे में हो रही है तो समबाहु त्रिभुज इसका नाम है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे हमारा वर्ग, वर्ग तो पढ़ ही है ना, क्या कंडीशन होनी चाहिए वर्ग में, क्या होता है, ये सारे 90-90 के होते हैं, ये चिन्ह 90 डिग्री का कहलाता है, तो ये सारे सारे 90 डिग्री के होते हैं और ये जो भुजाएं होती हैं ये सब आपस में बराबर हों, जैसे ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, यानी ये सारी चीजें बराबर हों, तब हम कह देंगे जी ये भी सम बहुभुज है, ठीक है, और इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसका नाम दिया है वर्ग। तो अगर कोई पूछे कि वर्ग कौन सी आकृति, सम है कि विषम में, तो वर्ग चूंकि सारे बराबर हैं, कोण भी बराबर है, तो जी ये वर्ग क्या बन गया, समबाहुभुज। इधर देखिए, भुजाएं असमान हो, भुजाएं असमान हो, इसी को बढ़ा देते हैं, जो अब मान लीजिए ये ले लीजिए, ये देखो दिख रहा है ना त्रिभुज, ये अलग टाइप का दिख रहा है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है और ये भी नहीं मैच रहा, तो जाहिर है कि इनके सारे कोण भी तो अलग अलग हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाए, यानी ना तो ये मान के चले, ये मान लीजिए कुछ अंक लिख देते हैं, मान लीजिए इसको मान लीजिए 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो, इसको 5, तो देख लो अलग अलग हो गया। अब इसको मान लीजिए कुछ ऐसा बना देते हैं, 90 लिख दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, 90 तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया 30, देखिए कहीं कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा असमान। अब इसी तरह आयत बना लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ देखिए, ये आमने सामने तो बराबर है लेकिन इसका असमान है, तो ये दो से कल लेना देना नहीं है, ये सारे 90 तो बन रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज फेल हो गई इसमें, ये कोण तो हमारे दिख रहे हैं कि 90 डिग्री, लेकिन असमान कोण तो समान हो गए, लेकिन एक चीज फेल हो गई, क्या, भुजा फेल हो गई, ये फेल हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन चारों बराबर नहीं है, तो ये तो कंडीशन है कि एक आध तो संभव है कि मिल सकता है आपको समान, लेकिन सारे के सारे नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसी स्थिति पर ये हम जो है ये सर इसमें टिक लगाएंगे, ये असमान विषम बहुभुज कहलाएंगे और ये सब चीजें कहलाएंगी विषम बहुभुज। अब आगे चलते हैं, इसमें इस भी प्रश्न किया है उन्होंने कि आयत एक सम बहुभुज है, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4, ये दो तो बन रहे हैं ये इधर, लेकिन कोण तो बन रहे हैं, भुजाएं असमान हैं, तो ये हो गया। अब एक प्रश्न इसी में और किया हमने, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहुभुज है, हाँ जी है, देखो समबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये कोण सारे बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये 60 60 और 60 के ही बनेंगे, 36 18, तभी तो ये सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है, ये सही है। और इसी में एक शब्द पूछ रहे हैं कि
ऐसा चतुर्भुज जो समभुज तो हो परंतु समकोणिक ना हो। हाँ जी होता है, समभुज तो है, कौन सा ऐसा एक, ये समचतुर्भुज होता है, ऐसा होता है ये। यानी इसी वर्ग को आप पिचका दो, ये जो वर्ग है इसको अगर यहां से मैं इधर मोड़ दूं या इधर मोड़ दूं तो क्या होगा, ये इसके कोण बिगड़ जाएंगे, भुजाएं सेम रहेंगी, कोण बिगड़ जाएंगे, यानी ये सब बिगड़ जाएंगे ये सब। तो इसमें क्या है, भुजाएं तो सेम है पर ये कोण बिगड़ गए, तो इसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज, इसको इसका नाम है समचतुर्भुज। तो यहां पर इसकी जो कंडीशन है ये कह रहे हैं जो कि कोई ऐसे चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है जो समभुज तो हो। हाँ जी समभुज तो है, देखो ये वर्ग तो समभुज था और इसमें कोण भी सम, तो ये तो क्या चला गया था, समभुज, समभुज था। लेकिन अगर मैं इसको पिचका दूं इधर से या इधर इस कोने से पिचका दें तो ये ऐसी आकृति ले लेगा। ऐसी आकृति कैसा मतलब होगा, इसमें भुजाएं तो बराबर रहेंगी, ये देखिए ये सारी भुजाएं बराबर होंगी पर इसके कोण बिगड़ जाएंगे, कोण बिगड़ जाएंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये इधर चला जाएगा। तो ये जी बिल्कुल सही होगा, इसका नाम है जी समचतुर्भुज। और बाकी इसमें एक कोई क्या कोई ऐसा त्रिभुज समभुज तो हो समकोणिक ना हो, नहीं बिल्कुल ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई ऐसा त्रिभुज होता ही नहीं जो समभुज तो हो परंतु तो समकोणिक ना हो, नहीं इसमें लिख देना है नहीं, ये कुछ होता ही नहीं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये बात आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब अगला लेता हूँ, अब अगला लेता हूं कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म, इसका वो बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ANGLE एंगल सम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा दृश्य में कम दिए, थोड़ा सा एक चीज लिख लीजिएगा, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूँ, आप भी इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इस किताब में नहीं लिखा। तो इसकी कुछ का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि यदि किसी बहुभुज में, यदि किसी बहुभुज में एन भुजाएं हो, एन भुजाएं हो तो इनके, हो तो इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 × 180, यानी n में से 2 घटा के 180 का गुणा कर देने से जो कोण निकल आएंगे वो आंतरिक कोण होते हैं। और जहां पर, यहां लिख दीजिए, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है, n क्या है भुजाओं की संख्या है, ये हमारे को लिख लेना है। अब यहां तक हो गया, अब हमारे को शुरू कर देते हैं प्रश्नावली 3.1। थोड़ा सा यहां से 2-3 सवाल लगा के देख लेते हैं, जितना पढ़ा है इसको जरा इस्तेमाल भी करके देखते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आगे चीज समझाएंगे, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, अब आ जाते हैं हम यहां तक, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। और अब लेते हैं हम प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 यहां से हमारा शुरू होता है। अब यहां पर दी गई आकृतियां हैं, तो ये जो आकृति हम भी बना लेते हैं जी, एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसा है, एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसी जोड़ दीजिए, एक आकृति ऐसी है,
एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसी है। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला है साधारण वक्र, ए में है साधारण वक्र, साधारण वक्र। चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं, इनका नंबरिंग कर दीजिए क्योंकि इसमें नंबर दिए हुए हैं। एक दो, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवें नंबर का, ये है छठे नंबर का, ये है सातवें नंबर का और ये है जी आठवें नंबर का। इन पे नंबरिंग के दिए हैं, हम भी नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसकी कंडीशन ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। साधारण वक्र, जरा देखो जी, साधारण वक्र की कंडीशन क्या क्या देखी थी आपने, कि पेंसिल पेन उठे ना और कोई भी एक दूसरे को काटे नहीं तो साधारण वक्र कहलाता है। तो जी देखो, पहचानो, यहां पर है, चलिए किसी को काट नहीं रहा, किसी को नुकसान नहीं कर रहा, यहाँ भी ये किसी को नुकसान नहीं कर रहा, यहाँ ये तो एक चला, ये पेंसिल उठ गई, ये तो हमारे काम कर नहीं रहा, ये तो काटी दिख रहा है, ये पेंसिल चलेगी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। तो जी नंबर लिख देना। तो देखो, एक तो इसमें पेंसिल नहीं उठेगी, बहुत आसानी से बन जाएगा, ये भी आ जाएगा सरल साधारण वक्र में, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा, पांचवा नंबर आ जाएगा, ये छठवा नंबर भी आ जाएगा और ये सातवां नंबर भी आ जाएगा, आठवां, ये तो गोले अलग अलग हैं, ये नहीं चलेगा। तो ये जी हमारा साधारण वक्र होता है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी उसके आधार पर। अब जी दूसरा है, इसमें साधारण के साथ साथ बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र में क्या ले, देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वक्र तो हो, आसान भी हो और वो खुला ना हो तो उसको हम बोल देते हैं बंद। तो यहां पर भी देखिए, जो जो अभी अभी आपने साधारण वक्र देखे, ये सारे बंद मिले हैं हमको, एक दो, ये भी, ये भी, ये भी, और ये तो खैर मान लीजिए टेढ़े मेढ़े हैं, कट काट गया, तो यानी जितने ये साधारण थे इस वक्त बंद भी दिख रहे हैं हमें, तो ये सारे के सारे वही हो जाएंगे, पहला भी इसी में दूसरा भी यही आ जाएगा और ये तीसरा तो फेल हो गया, चौथा फेल है, पांचवा आ जाएगा इसी में और ये छठवां भी आ जाएगा और ये सातवां भी हमारा इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये बाकी घर वाले फेल हैं, तो ये साधारण बंद वक्र में आ जाएगा बहुभुज। अब ये जो तीसरा कह रहे हैं बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है कम से कम तीन भुजाएं, कम से कम तीन भुजाएं, तो तीन से ज्यादा होने चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा। तो देखो जी, ये रेखाखंड बहुभुज का क्या है, सरल बहुभुज की कंडीशन क्या है, एक तो वो सरल होना चाहिए, फिर रेखाखंड होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो देखो जी, ये भी रेखाखंड है, सरल भी है, बंद भी है, तो ये जी हो जाएंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं बहुभुज, बहुभुज। तो ये तो लागू हो गया बिल्कुल, पहला तो बाहर है। दूसरा देखो जी, ये भी चला रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड और बहुत सरल है, मतलब सीधा सीधा है, कोई मुड़ा तुड़ा नहीं है, ये भी आ गया। यहाँ देखो, ये तो उससे बाहर ही है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये हमारे कुछ बहुभुज की कंडीशन पे तो है, लेकिन ये कटाफटा है हमारी परिभाषा से, अभी इसको बाहर रखिए। ये जी गोला हो गया, ये फेल हो गया, ये भी गोला लग गया, ये भी गोला लगा, ये तो पहले से फेल है, ये नहीं आएंगे। अब आ जाता है डी, डी में आ जाएगा उत्तल। हाँ, अब आप पहचानिए उत्तल बहुभुज। उत्तल किसे कहते हैं, उत्तल का मतलब होता है कि जिसके तल ये शीर्ष बाहर की ओर हो और विकर्ण अंदर की ओर। जरा देखिए, इसमें तो ये दो ही दिख रहे हैं, बाकी तो ये है। अब दो में से छाटिए, एक है उत्तल और इसमें है एक है अवतल, दो ही ई नंबर अवतल। अब इसको कौन किसमें आएगा जरा देख के भरना है। अवतल बहुभुज, चल देखिए पहले उत्तल पकड़िए, ये देखो जी अंदर की ओर धस गया, ये तो बाहर हो गया, ये कहां चला जाएगा, जो अंदर की ओर धस गया तो ये नहीं है। शीर्ष बाहर, बिल्कुल बाहर। विकर्ण, ये देखो जी, ये विकर्ण अंदर,
तो ये कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें तल में। और ये जो पहला वाला देखिए, शीर्ष बाहर लेकिन एक शीर्ष अंदर की ओर धस गया, विकर्ण देखिए एक कम से कम बाहर चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा पहला वाला अवतल बहुभुज में। ये हो गया हमारा पहला नंबर का सवाल, उम्मीद है कि बात स्पष्ट हो रखी होगी। फिर अब लेते हैं हम दूसरा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के में कितने विकर्ण हैं। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। एक सीधे प्रश्न लिख ले देते हैं इसमें, एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज, दूसरा है इसी में से लिख लेते हैं, फिर इसी को कर देंगे, एक समषट्भुज, एक सम षट्भुज और एक त्रिभुज। एक त्रिभुज, चलो इसी को बना के देख लेते हैं, पर सारे के सारे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। तो उत्तल चतुर्भुज, उत्तल का चतुर्भुज तो कोई सा भी ले लो, ये मैंने चतुर्भुज बना लिया। उत्तल माने शीर्ष बाहर की ओर, अंदर की ओर कोई नहीं धंसा, ये तो एक इसका फोटो बन गया। समषट्भुज ले लो, इसको भी बना देते हैं, ये जी बन गया हमारा। आप पटरी से नहीं बनाने हैं, हम आपको अंदाज से यहाँ बना रहे हैं, मान के चल रहे हैं समषट्भुज है, षट्भुज की तरह दिख रहा है ना। हाँ समषट्भुज की तरह दिख रहा है। और एक त्रिभुज ये ले लीजिए, एक त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज बना दिया। सब में क्या है, क्या बनाना है, ये कितने विकर्ण है। ठीक है, तो देखो विकर्ण कैसे शुरू करेंगे, ये नंबरिंग कर दीजिए, ए बी सी डी, विकर्ण बताया था ना, ये दो ए बी रेखाखंड का, ये इसका आसन्न शीर्ष कहलाएगा, इस रेखाखंड के ये दो आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। अब उसने कहा है कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर, यानी कम से कम एक को तो छोड़ के दूसरी दिशा में चलो, तो मैंने अगर इधर से बी की तरफ जाना है तो ये लेना है, ये ही एक बन गया। अब ये ले लिया है तो इधर से भी चलो, इससे लेना है तो इसको छोड़ो, यहां आ जाएगा, तो ये चला गया, ये इधर चला गया, तो कितने बन रहे हैं, एक ये बना एक ये बना, कितने बन गए दो। इसमें देखो इनका नंबरिंग कर दीजिए, चलिए ए बी सी डी ई और एफ, चलो मिलाते हैं यहां से ले, तो यहां से ले लेते हैं, ये इससे मिलाया इसको छोड़ा, तो इसको लेते हैं तो इसको छोड़िए यहां पे चले जाइए, इसको लीजिए इसको छोड़िए यहां पे आ जाइए, इसको लीजिए इसको छोड़िए यहां आइए, इसको लीजिए इसको छोड़िए यहां आइए। अभी और कुछ हो सकता है, बिल्कुल, अगर मैंने इस तरफ चलना है तब ए को लिया इसको छोड़ा तो ये इधर चला जाएगा, और कुछ दिख रहा है, और कहीं भी चलो अभी काउंटिंग कर लेंगे, अभी कितने, अब हम लोग गिन लीजिए कितने बनाए, एक दो तीन चार पांच छः, और इसमें कितने बनाए हमने, गिन लेते हैं, और कहीं छूट तो नहीं रहा कुछ, यहां से लिया यहां, अब इसको लिया तो यहां से यहां मिला ली, अभी काउंटिंग कर लेते हैं, तो एक दो तीन इससे बन गए, और एक दो तीन इससे बन गए, और जी तीन तीन छह और कहाँ से गए, ये चला गया ये चला गया, कितने बन गए मिला लो समषट्भुज में। इसमें देख लिए, और भी कहीं पर बनते हो तो देख लेंगे कितने बनेंगे, कॉपी कर लीजिए, एक इधर आया दूसरा आया ये तीसरा, एक बन गया, फिर इधर से इधर मिला इधर, और इधर से लिया तो इसको छोड़ा ये चला गया, इसको लिया इसको छोड़ा ये बना दिया, ऐसे करके, और ठीक बन गया ये बन गया ये बन गया, इधर से
ये बन गया। चलिए अब इधर इसको इसमें इसमें बने हैं क्या पूछ रहे हैं, विकर्ण कितने विकर्ण, इसमें कोई विकर्ण बने ए बी सी गिन के देखिए, ये इसको छोड़िए तो ये बनेगा क्या, ये तो बन ही नहीं रहा कुछ, ये बन नहीं रहा तो जीरो। इसका आप एक गिन लीजिए, इसमें दो बन रहे हैं तो इसमें कुल नौ बनने चाहिए, गिन के देख लीजिएगा ये नौ बनते हैं। और एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है छह में नौ बनते हैं। अब कैसे बनेंगे, इनका एक सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए कि जो विकर्ण होते हैं हमारे कितने बनते हैं, एक सूत्र से निकल आता है, ये सूत्र हमारा यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि विकर्णों की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो हम एक सूत्र से लगा के भी निकाल सकते हैं, और वो सूत्र होता है n इंटू एन माइनस थ्री बटे दो से हम जो है सूत्र निकाल सकते हैं। और जहां पर ये क्या होता है, जो n होता है, n जो होता है ये भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं भुजाएं, यानी कि जो भुजाओं की संख्या, अब देखिए अब रख के देख लो, तो अगर मैंने चार लिए हैं चतुर्भुज तो n बराबर कितना हो जाएगा चार, इस पे रख दीजिए तो n की जगह चार लगाया तो यहाँ चार ऋण तीन बटे दो, दो से दो कट गया और इधर बचेगा एक, देखिए दो गुणे एक अर्थात दो, तो जब भी चतुर्भुज होगा तो हमारे को मिलेंगे विकर्ण दो, और ये कितना षटभुज था तो षटभुज में यहाँ पे n बराबर छः, षटभुज माने छः तो यहाँ पर छः लग के दे दीजिए, तो ये इस तरह जो है n बराबर छः, षटभुज में छः भुजाएं तो यहाँ पर लिख दीजिए छः, तो यहाँ बनेगा छः ऋण तीन बटे दो, तो दो एकम दो, दो त्याई छः, तो इधर बन गया तीन, छः में से तीन गया तीन अर्थात तीन त्रिकाई नौ, यहाँ से गिन के देखेंगे तो यहाँ पे नौ भुजाएं मिलेंगी, और जोड़ तोड़ बना लीजिएगा तो सब कुल नौ मिलेंगे आपको। और त्रिभुज में देख लीजिए कितने बनेंगे, तो त्रिभुज में एन बराबर इसमें रख के दीजिए, एन की जगह लगा दीजिए तीन, तो तीन ऋण तीन बटे दो, तो ये तीन आ गया, तीन में तीन घट गया तो शून्य बटे दो अर्थात ये पूरा पूरा शून्य, इसलिए त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे जीरो, इस सूत्र से आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये गिनने में कई बार दिक्कत हो सकती है कि आगे पीछे भी हो सकता है, या हो सकता है आपकी दिमाग से कई बार उस समय हट जाती है बातें, तो इस सूत्र से निकाल के आपको लिख देना है, ये आसान भाषा में रहेगा। अब ले लेते हैं एक इसका तीसरा प्रश्न, तो ये भी ले लीजिए। चलिए तीसरा तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का भाग तो यहीं पर ले लेते हैं हम। और दूसरा ये कह रहा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, प्रयास कीजिए। तो इसको जरा करके देख लेते हैं, तीसरा उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, ये दो जी ये मान लेते हैं, ये एक हमने उत्तल चतुर्भुज ले लिया, अब लिख दिया ए बी सी डी, और एक ये भी कह रहा है कि एक उत्तल ना हो तो एक दूसरा भी बना लेते हैं लगे हाथ, ये उत्तल नहीं है, ये भी ए बी सी डी। अब इसका हिसाब किताब बना देते हैं क्या योगफल पर, चलो योगफल निकाल देते हैं, तो जी ये चतुर्भुज हो गया, तो अगर मैंने इसको चतुर्भुज को अगर मैंने यहाँ विकर्ण बना दूं तो क्या बन जाएगा, ये दो ठो क्या बन जाते हैं त्रिभुजों में बट गया। अब इनका नामकरण कर देते हैं, मान के चल देते हैं इसका ये नाम है, कोण के योग मतलब डिग्री नहीं है, ये एक दो तीन चार पांच छः, दो दो त्रिभुज बन गए, तो यहाँ पर देखते हैं पहले दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, तो ये जो हमारा त्रिभुज बना ए बी सी, एक बना त्रिभुज ए बी सी और एक बना
ए डी सी दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी ये दोनों हमारे त्रिभुज बन गए। और अभी कुछ समय पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, तीनों कोणों का योग मतलब कौन से कोण को योग, अंतर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये इसमें कौन सी, इसमें कोण योग गुण धर्म में हमको प्राप्त हुई थी कि ये त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो अब जरा देख लो, तो एबीसी का जो ये इनके कोणों के आधार पर रख के देख लेते हैं कि कितने हैं। तो ये है त्रिभुज में कोण एक, कोण दो और ये है कोण तीन। ये तो बन गया एबीसी का। और इसका ले लीजिए एडीसी में कौन कौन से आ रहे हैं, कोण चार, कोण पांच और ये कोण छह। और अभी अभी ये जो प्रॉपर्टी को रख दीजिए इसमें, तो इन तीनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 180 डिग्री। और इधर को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, ये भी 180 डिग्री मिलता है क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है। और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसका भी देख लीजिए, इसमें जो भी आगे बढ़ाया कि अवतल का भी देख लो भाई, तो अवतल में भी यही करना है। मान के चले यहां से ही इसको हमने अलग कर दिया, ये तो ये दो त्रिभुज बन गए। अब जब दो त्रिभुज बन गए तो इनका भी नामकरण कर दीजिए। यहां पे मान लेते हैं एक दो तीन, यहां से ले लीजिए चार पांच छह। तो ये चतुर्भुज तो है, ये कैसा है अवतल, ये है उत्तल और ये है अवतल। अब ये कह रहा है कि इसका कितना होता है, इसका तो 360, इसका भी देख लो क्या होता है। तो इसमें भी देख रहे हैं, जब अवतल को मैंने अलग अलग इसका दो त्रिभुजों में बांटा तो ये दो टुकड़े बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये भी बन गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। देख लीजिए इसको जोड़िए, तो ये एक और ये कोण दूसरा, ये कोण तीसरा इधर के, और इधर के कितने हैं, इधर भी इसी तरह है, ये चौथा, ये पांचवें नंबर का और ये है छठवें नंबर का। अभी अभी पढ़ा है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये पूरा पूरा 360 डिग्री इसका भी होता है और इसका भी, यानी कि चतुर्भुज चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इन सब के आंतरिक कोणों का, अंदर अंदर के, बाहर की बात नहीं हो रही है, कहां पर बात रही है, अंदर आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अब ये जो 360 होता है तो ये यहां पर हमारा तीसरा हो गया। अब अगला आगे अगले प्रश्नावली में लेते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, अगले वीडियो में देखते हैं।